चलो फाइनली एडमिशन हो गया। तुझे पता है अंजलि, मेरा ना बस एक ही ड्रीम है, आईएएस ऑफिसर बनना। टेंशन मत ले मेरी जान, जिस तरीके तूने कॉलेज और स्कूल टॉप किया है ना, वैसे ही तू आईएएस टॉप करेगी। सच्ची? हाँ। चल बाय, जल्दी मिलती हूँ। चल बाय। हाय मम्मी। हाय पापा। हाय बेटा। क्या बात है, आज दोपहर में घर की साफ सफाई कर रहे हो? बात ही कुछ ऐसी है। मैं समझी नहीं। तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है और वो लोग आज शाम को ही तुम्हें देखने आने वाले हैं। शादी और मेरी? आप लोगों को तो पता है ना, मेरा एक ही सपना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, और आज ही तो मैं फॉर्म भर के आई हूँ। कर लेना आईएएस, शादी के बाद वैसे भी वो तुम्हें आईएएस कराने वाले हैं। पर शादी की इतनी जल्दी क्यों है? अरे शादी की सही उम्र है और उसके बाद खुशी भी तो है, उसके लिए भी तो हमको सोचना है। हाँ बेटी, तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, क्योंकि आजकल उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। अभी 1 बज रहा है, थोड़ा रेस्ट कर लेना और 5 बजे तैयार हो जाना, उन लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। आइए आइए, घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई है? जी नहीं आंटी। अरे अंदर तो आइए, क्या सारी बातें दरवाजे पर ही करेंगे। आइए आइए। ये हमारी बेटी प्रीति है, ये उनकी मम्मी, और एक बेटी है जो हॉस्टल में पढ़ती है, खुशी। नमस्ते करो बेटे आंटी को। नमस्ते। मेरे पति की डेथ हुए 2 साल हुए। ये अजय मेरा बड़ा बेटा जो मार्केटिंग कंपनी में काम करता है। ये मेरी छोटी बेटी रिया जो पढ़ाई कर रही है, नेक्स्ट ईयर इसकी भी शादी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हमारी बातें तो होती रहेंगी, क्यों ना हम बच्चों को बातें कर रहे थे। हाँ ये सबसे ज्यादा जरूरी है। सुना है तुम्हें आईएएस करना है? जी हाँ। बहुत अच्छा है, वैसे तुम शादी के बाद आराम से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। थैंक यू। और क्या क्या हॉबीज है तुम्हारी, कुछ बताओ अपने बारे में। तो बेटा कैसी लगी प्रीति? बहुत अच्छी है। कैसा लगा अजय? अच्छे हैं। प्रीति को भी अजय पसंद है। ठीक है, फिर मुहूर्त निकाल के आपको बताते हैं। हाँ जरूर। कैसा लगा हमारा घर? ओ आई मीन आपका नया घर। पापा ने बड़े प्यार से बनाया था इसे, अभी शादी के लिए हमने रेनोवेट किया। ये घर और ये रूम दोनों ही अच्छे हैं। गई बेटा? जी माँ जी। ये क्या कर रही हो? कल ही तो आई हो, कुछ दिन आराम कर लो, बाद में सब कुछ तुमको ही करना है। मैं अपनी स्टडीज कर लूँ? हाँ हाँ कर लो। Thank you.
सुनिए ना, एक महीना हो गया, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, सोच रही हूँ कुछ दिन वहाँ रह आऊँ। ठीक है, पर मैं 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा। ठीक है। सरप्राइज। हाय पापा। हाय प्रीति, तुम यहाँ? सब ठीक है ना? हाँ पापा, बस आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो चली आई कुछ दिनों के लिए। अरे बहुत अच्छा किया तूने। अरे हम भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे थे। आज सुनते हो, देखो तो कौन आया है। अरे प्रीति मेरा बच्चा। हाय मैडम। हेलो, हाउ आर यू? गुड, तू कैसी है? मैं मस्त। क्या कितनी प्यारी लग रही है शादी के बाद, हाँ सिंदूर बिंदी। आजा आजा, आज तो मम्मी पापा भी घर पर नहीं, खुलकर बातें करेंगे। हाँ पक्का। अच्छा एक बात बता। हाँ बोल। रुक मैं आती हूँ, एक मिनट। अरे ये ले। थैंक यू। और बता कैसा है तेरा ससुराल? पता नहीं यार, सबके ससुराल ऐसे होते हैं या मेरा ही ऐसा है? क्या मतलब? वहां कोई ठीक से एक दूसरे से बात ही नहीं करता, कोई अपनापन ही नहीं है। मैं 1 महीने से उस मकान को घर बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तूने ये बात अंकल आंटी को बताई? नहीं यार, वो खामखा परेशान हो जाएंगे। वैसे भी अभी मैं सिर्फ अपने एग्जाम्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, बाकी सब बाद में देखेंगे। गुड, अगर ज्यादा हो ना तो बताना। हमारे पास 498A है। वो क्या है? है एक वेपन जो हम टाइम आने पे यूज करेंगे। अच्छा। और सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो गई, मतलब सब तैयार किया? और घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छे ही है। Babe, I got to go. Oh God, इतनी मिस कॉल। अभी तो आई है। एक अर्जेंट मीटिंग है। अभी तो आई है यार। अरे ठीक है ना, एग्जाम के दिन मिलेंगे, साथ में लंच करेंगे। चल ठीक है यार, जरूर। आजा। हाय भाभी। हाय। कैसा गया आपका वीकेंड? इतने दिनों बाद मम्मी पापा से मिलके बहुत अच्छा लगा। रिया जरा अपने रूम में चले जाना, मुझे चेंज करना है। भाभी ये मेरा ही रूम है अब से। वो क्या है ना, मम्मी ने बोला था 1 महीने के लिए भैया और भाभी को दे दो, तो मैंने दे दिया। तो चेंज करने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था। माँ जी, माँ जी देखिए ना, रिया ने बिना बताए मेरा रूम ले लिया। आपका नहीं, मेरा रूम। कोई नहीं, दूसरा रूम भी तुम्हें पसंद आएगा। वैसे भी अजय बाहर ही रहता है और तुम अकेली। सुनो ना। मम्मी की बिल्डिंग में एक रूम रेंट पर मिल रहा है, क्यों ना हम वहां शिफ्ट हो जाए? प्रीति सुनो, मैं जानता हूं कि रूम चेंज होने की वजह से तुम अपसेट हो, पर एक बात समझो, मैं अकेला कमाता हूं यार। उसमें घर खर्चा, रिया की स्टडीज, और शादी से पहले हमने घर रेनोवेट करने के लिए लोन लिया था। इतने सब खर्चे के बाद मैं दूसरा रूम अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ पर ऑफिस में मेरे प्रमोशन की बात चल रही है, तो अगले साल हम इस बारे में सोचेंगे। हाँ, या फिर मेरे आईएएस बनने के बाद हम नए घर में चले जाएंगे। हाँ हाँ सोचेंगे इस बारे में, अभी सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ।
थैंक यू। चाय तो अच्छी बनी है। थैंक यू। सोई नहीं अभी तक? नहीं, तुम पढ़ाई कर रही हो ना, इसलिए। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? सब अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा टेंशन है। और मेरा सपना पूरा हो रहा है तो आपको भी थैंक यू। कोई नहीं, तुम अच्छे से पढ़ो। आप सो जाओ। ठीक है। चलो बाय। हाँ बाय। मैं एक हफ्ते में आऊंगा, इस बार टूर थोड़ा लंबा है। अपना ख्याल रखिए। और सुनिए, 15 तारीख को मेरा एग्जाम है, तो माँ जी से बोलना कि उस दिन मैं अवेलेबल नहीं रहूंगी। हाँ हाँ, अभी बोल देता हूँ। माँ। ओ माँ। हाँ बोलो बेटा। माँ मैं टूर पे जा रहा हूँ, एक हफ्ते में आऊंगा। और हाँ, 15 तारीख को प्रीति का एग्जाम है तो उसे जाने देना। तो कौन सा मैं उसे बांध के रखती हूँ, दे दे एग्जाम। हाँ बोल। हाय मैडम। ऑल सेट फॉर द एग्जाम? हाँ यार, पर बहुत नर्वस हूँ। चिल कर यार, इतना लोड मत ले। वैसे पता कितने बजे मिलना है? एग्जाम सेंटर पहुँचना है 10:30 बजे। अभी अभी 9:30 बज रहे, 11 से 2 बजे तक का पेपर है। अच्छा, तू टेंशन मत ले, तू टॉपर है। अच्छा सुन, हम लोग ना एग्जाम सेंटर के बाहर मिलते हैं 2 बजे, साथ में लंच करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुझे कॉल करती हूँ। मेरा हॉल टिकट किधर है? अरे उठ गई तुम? जी माँ जी। अच्छा हुआ, आज बहुत बड़ा दिन है। अरे अजय के मामा है ना अमेरिके वाले, वो वीजा के वजह से शादी में नहीं आ सके थे, इंडिया आए हैं कुछ दिनों के लिए, और आज हमारे घर लंच पे आने वाले हैं। तुम जल्दी से किचन में आ जाओ, उन्हें खाने का बहुत शौक है, हमें बहुत सारी तैयारी करनी है। लेकिन माँ जी, आज तो मेरा एग्जाम है, अजय ने बताया तो था। पर उससे थोड़ी पता था कि आज मामा घर पे आने वाले हैं। एग्जाम तो फिर कभी दे सकती हो, मामा थोड़ी ना रोज रोज अमेरिके से आएंगे। चलो जल्दी किचन में। आती हूँ। अरे आज मामा आने वाले हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे बताया तो था, आज सब फ्रेंड्स मूवी जा रहे हैं। अरे हाँ, पर जल्दी आ जाना बेटा। ठीक है मॉम। अरे आई नहीं अब तक, लगता है सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा। दो बज गए माँ जी, मामा जी अभी तक आए नहीं। अभी पता करती हूँ। हेलो हेलो भैया, कहाँ पर हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप ही का घर है, आप आ जाना। ओके ओके। क्या हुआ माँ जी? भैया को कुछ काम आ गया है, भैया अभी नहीं डिनर पर आने वाले हैं। डिनर पर? हाँ। अरे वाह,
खाना तो बहुत अच्छा बना है। हाँ प्रीति सीख रही है अभी, आजकल माँ बाप कहाँ खाना बनाना सिखाते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे। चलो मैं चलता हूँ, अजय भी मिल लिया होता तो अच्छा होता। टाइम रहा तो फिर चले आना, अजय 3-4 दिन में आ ही जाएगा। ठीक, बाय मामा। पक्का आना, बाय बाय। मॉम मैं सोने जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ। मैं भी बहुत थक गई हूँ। प्रीति जरा बर्तन धो लेना। गुड मॉर्निंग मम्मी। अरे कहाँ हो तुम? कल कितनी बार कॉल किया मैंने तुम्हें, और तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? और कैसे गए एग्जाम? अरे कुछ नहीं मम्मी, एग्जाम बहुत अच्छा था। वो कल घर पे कुछ मेहमान आए थे ना, तो उसमें बिजी हो गई थी। अच्छा, पापा को बोलना टेंशन ना ले, मुझे बहुत काम है अभी, मैं रखती हूँ। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी, और तुम अपना ख्याल रखना। बाय। ठीक है, बाय। हेलो। हाय, अरे मैंने सुना कल अमेरिका वाले मामा आए थे, मुझे भी मिलना था यार उनसे। सुनो सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। क्या बात है अजय, तुम्हें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन भी याद नहीं। रिया आज मेरी तबीयत खराब है, बर्तन धो लेना। हाँ क्या भाभी, आपकी तो हमेशा ही तबीयत खराब रहती है। क्या 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 बहुत बोलने लगी हो? आप होती कौन हो मुझसे काम करवाने वाली? लाइए मेरा फोन दीजिए। आप यहाँ शादी करके आई हो, जब मैं मेरे ससुराल जाऊंगी मैं मेरा काम कर लूंगी। लाइए फोन दीजिए। अच्छा फोन दीजिए भाभी, जो भाभी फोन दीजिए, पता है किस किस से बात करती हो। भाभी आपको लग जाएगी, फोन दीजिए भाभी। छोड़ो भाभी, फोन दीजिए मेरा। बच्चों की तरह लड़ रहे हो। प्रीति।